ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाकी सब ठीक है। आयदा बेटा देखो तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है, तुम्हारी नन्ही सी जान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। रेहाना गिरना या धक्का लगना इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इसको दूर रखो इन केस के झंझटों से। आयदा डॉक्टर ठीक ही तो कह रहे, अपना ख्याल रखो। वहाँ मैं रेहाना के साथ पुलिस स्टेशन चली जाऊँ। इंसान भी तकलीफें उठा लेता है ना खाला, तो सख्त पड़ जाता है, पत्थर बन जाता है। मुझे पता है वो ये सब क्यों करवा रहे हैं, मुझे डराने के लिए, कमजोर करने के लिए कि मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, अपने अमान को मैं खुद वापस नहीं कराऊंगी। लेकिन आयदा बेटा अम्मा मैं अपना ख्याल खुद रख सकती, और ये एक जान जो मेरे साथ है उसकी हिफाजत में अपनी जान देकर करूंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरा दिल तो पहले ही कह रहा था वही हुआ, क्या हुआ? इसकी एफआईआर करके उसे जेल भेज दिया। अब क्या होगा, जमानत हो सकती है? हो सकती है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई ऐसी डाली है। करेंगे उसके साथ तशद्दुद करेंगे? नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं हो। कैसे परेशान ना हो, आप मुझे बताएं तो सही हम क्या कर सकते हैं। देखो जिस्मानी रिमांड पे ये सब तो होता है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसके साथ मारपीट ना हो। मिलने तो देंगे ना? हेलो जी, आप आ गए? ठीक है मैं आती हूँ आपसे मुलाकात करने। ओके कौन है, क्या कह रहे? डीआईजी साहब, मुझे उनसे मिलने जाना होगा, मैं कल सुबह आती हूँ, अमान से मिलवा दूंगी तुम। मैं अभी खुद तो मिलूँ डीआईजी साहब से, तुम फिक्र नहीं करो, आराम करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अपना ख्याल रखो, ठीक है, कल मुलाकात करते हैं।